जो व्यापारियों के बीच मौजूद है और अब से चंद मिनटों बाद बजट पेश होने वाला है। बजट से जो उम्मीदें हैं उनको लेकर के सुरेश संक्षेप में बातचीत करें, संक्षेप में पूछे क्या चाहती है जनता। सुरेश जी, आशीष मैं इस वक्त सीधा जनता के पास खड़ा हूं और उनसे बात करेंगे किस प्रकार की मतलब किस प्रकार का बजट चाहिए। इस बार केंद्र का जो सातवां बजट है वो आ रहा है, किस प्रकार का बजट चाहिए। हम व्यापारी लोग तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा व्यापार को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और युवाओं को थोड़ा रोजगार की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना वो थोड़ा सा अच्छे से उभर के आए। युवाओं की बात कर लेते हैं, महंगाई को किस प्रकार से देखते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है उसको भी थोड़ा कंट्रोल में करना बहुत ही ज़रूरी है। उसको अगर थोड़ा सा कंट्रोल में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो महंगाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेंडर्स की रेट, पेट्रोल की रेट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उस प्रकार से नॉर्मल जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष जिस प्रकार से आपने सुना युवाओं के हित में बजट होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, और भी कुछ युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो बेरोजगार वैसे किस प्रकार का बजट होना चाहिए इस बार। सर हम केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि व्यापारी और किसान आज इकोनॉमिक्स में देश में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, तो हमारे देश के किसानों की आय जो केंद्र सरकार ने पूर्व में बजट में बोला था कि ना इसकी दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया था और वो होना चाहिए इस बार के बजट में, ताकि किसानों को भी रिलैक्सेशन मिले और टैक्स में जो जिस तरह से व्यापारियों को ना छूट कम दी गई है इस बार टैक्स में छूट आनी चाहिए उनके, ताकि व्यापारियों को कुछ ना कुछ फायदा हो सके। आशीष आपने सुना बिल्कुल युवाओं के हित में बिल्कुल। सुरेश जल्दी बात को कंप्लीट करें क्योंकि अब से कुछ देर बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, चंद मिनटों का समय शेष है। सुरेश जल्द अपनी बात को कंप्लीट करें। आशीष और भी कुछ व्यापारी उनसे बात करेंगे किस प्रकार का बजट देखते हैं। इस बार केंद्र का जो सातवां बजट है वो आ रहा है, किस प्रकार से देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार को इस बार विचार करना चाहिए कि बजट के साथ साथ में बजट को इस तरह से बनाया जाए कि रोजगार तो जो मुद्दा है देश का वो है ही है, किसानों की आय भी बढ़नी चाहिए, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा परेशान है मध्यम वर्ग, उसके बारे में सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग जो व्यक्ति है वो नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उसको ना तो एक उसकी इनकम के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है, ना तो उसका वेतन बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में विशेषकर, और खर्चे जो हैं वो बराबर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ किसानों के ऊपर खेती में उनको किसान मित्र के माध्यम से एक जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान की इनकम भी बढ़ सके और साथ ही साथ जो आम जनता उस फूड को इंटेक कर रही है उनके स्वास्थ्य पर भी। और भी व्यापारी है उनसे बात कर लेते हैं। बच्चा आप किस प्रकार से देखते हैं बजट को, बजट आ रहा है अभी। भाई पहले तो बजट आ रहा है उसकी बहुत शुभकामनाएं, लेकिन इस पे केंद्र सरकार को चाहिए बजट पेट्रोलियम गैसोलीन गैसेज वगैरह पे इन पे जो है रिबेट सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जो बेसिस ऑफ लाइफ है। कहीं पर जाते हैं हमें पेट्रोल डीजल घर में आपको गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऊर्जा क्षेत्र में जो है जो आम कंज्यूमर है उसको एक सब्सिडी मिलनी चाहिए।